स्टैंडर्ड 6 फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली एंड गिव मी द आंसर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी सी द बर्ड्स. नाउ सी वेयर डू वी सी द बर्ड्स. नाउ सी बर्ड्स आर हियर. मीन्स बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काय. सी हियर हियर बर्ड्स. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काय. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज द काउ ग्रेजिंग. सी वेयर इज द काउ. सी काउ इज हियर. काउ इज ग्रेजिंग ऑन अ लैंड. काउ इज ग्रेजिंग इन दिस ओपन लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड. नाउ सी लोकेट द ट्रीज. नाउ सी ट्रीज आर हियर. हियर ऑल्सो सम ट्रीज आर. एंड रोड यू हैव सी दिस. दिस इज अ कार एंड दिस इज अ रोड. वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम. हाउ डज इट फ्लोज. नाउ सी वेयर इज द रिवर. नाउ दिस इज अ रिवर. एंड वेयर इज इट इज कम फ्रॉम. इट कम्स फ्रॉम माउंटन्स. नाउ सी ऑल दीज आर माउंटन्स. एंड रिवर इज कम फ्रॉम कम इट फ्रॉम माउंटन्स एंड फ्लोइंग डाउन साइड. सी दिस इज फ्लोइंग डाउन साइड. नेक्स्ट, वेयर इज द एरोप्लेन. वेयर इज द एरोप्लेन. नाउ सी दिस इज एरोप्लेन. एरोप्लेन इज इन अ एटमोस्फियर. वेयर इज एरोप्लेन. एरोप्लेन इज इन अ एटमोस्फियर. एटमोस्फियर मीन्स इट इज इन अ एयर. इट इज इन अ एयर. Where are the fish seen? Now see, where are the fish seen? Now here. And this is called as hydrosphere. Means, where are the fishes seen? In a hydrosphere. Hydrosphere means on in water. Means fishes are seen in water. On what is the sailboat flowing? Now see, where is the boat? Now see, boat is here. Where does the sailboat is floating? Sailboat is floating on water. Where it is floating? Where this boat is floating on water? This, see, all these are water. Now see, observe this picture carefully. This is atmosphere. Atmosphere. This is hydrosphere and this is lithosphere. Atmosphere means air. Atmosphere means air. Hydrosphere means water. Hydrosphere means water. And lithosphere means where stones and soil is present. Means see, this layer is called as lithosphere. See, this is a soil. And these are here stones. Means soil and stones are present. That layer is called as lithosphere.